हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। इसकी एग्ज़ाम हुई थी जनवरी में और आपकी आंसर की रिलीज़ की गई और रिज़ल्ट भी आने वाला था, पर लॉकडाउन के वजह से इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया और फिर से यहाँ पर इसकी जो रिवाइज आंसर की है वो कल जारी की गई है। ठीक है, जैसे ही रिवाइज आंसर की जारी हुई है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, सर क्या कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रिवाइज आंसर की आई है उसमें मार्क्स बढ़े हैं, ऑब्वियसली बढ़े हैं। एक क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिलेगा उसमें और भी सारे वहाँ पर क्वेश्चन है जिसके मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ में कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कट ऑफ जो आपकी पहले वाली थी जो मैंने बताई थी वही रहेगी, कोई भी चेंजेस ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पहले जो मिनिमम मार्क्स बता दिया था वही मार्क्स यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब रिज़ल्ट डेट के बारे में बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ जो UR या OBC से बिलोंग करते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और टाइपिंग टेस्ट में प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटिशन है इस बार बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला, क्यों हाई रहेगी उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो यहाँ पर कंपटीशन लेवल है वो क्यों हाई रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए वो देखते हैं गाइस। सो सबसे पहले हम लोग UR की बात करें तो देखो, UR कैटेगरी में जिसके भी 42 प्लस मार्क्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर अपने टाइपिंग टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल यहाँ पर जारी रखें और अच्छे से टाइपिंग करें, उनकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म है। ठीक है, OBC की हम बात कर ले तो OBC की यहाँ पर 40 के आसपास, आप 38 प्लस मान के चलो, अगर 38 प्लस आपके स्कोर है तो आप यहाँ पर सेफ हो। वहीं अगर हम लोग SC की बात कर लें तो 35 प्लस स्कोर यहाँ पर बिल्कुल सेफ होने वाला है SC के लिए। ठीक है, अब ST और PH की एक साथ बात करते हैं, ST और PH की क्या कट ऑफ रहेगी। तो 34 प्लस आपके मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, अगर इतने मार्क्स है तो आप यहाँ पर सेफ रहोगे। ठीक है, अगर अब हम लोग यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की बात कर ले तो देखो, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम सबको मिल गया। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होना था वो थोड़ा सा डिले हो गया, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है और जिन लोगों का टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छा नहीं था उनका भी जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक इनक्रीज़ कर गया है। तो काफ़ी यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा इसके कारण, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अच्छे से टाइपिंग कर रहे होंगे, उनकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कॉम्पिटिशन थोड़ी सी यहाँ पर हाई हो जाएगी आगे के स्टेजेस के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो अच्छे से टाइपिंग टेस्ट करो और ट्राई करो कि आप क्वालिफाई कर जाओ अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करें रिज़ल्ट डेट की, तो देखो रिज़ल्ट डेट की बात करें तो जिस तरह से काम चल रहा, अगर इस तरह से चलते रहा तो 10 से लेकर 15 जून के बीच आपकी रिज़ल्ट भी डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रिवाइज आंसर की है बहुत जल्द यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो आप मान के चलो यहाँ पर कि जो आपके रिज़ल्ट है वो 10 से 15 जून के बीच में यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे, अगर काम सब ऐसे ही चलता रहा तो। ठीक है, बीच में कुछ मान लो कि लॉकडाउन नहीं हुआ, अगर सिचुएशन सेम रही तो हो सकता है 10 से लेकर 15 के बीच आपकी रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया जाए। हालांकि ये रिज़ल्ट बहुत पहले आ जानी चाहिए, अप्रैल में ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया हो। अगर मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।